अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं इस चैनल पर अपलोड करते आ रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फ्री है दोस्तों, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो, अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी A7 प्राइम का कैमरा डिटेल सेटिंग्स। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, बहुत ही अच्छे पिक्चर्स भी आते हैं इसमें। मैं बहुत दिनों से टेस्ट किया हूँ इसको, कुछ भी कोई भी कंपनी मुझे नहीं भेजता है, मैं खुद खरीदी करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आप कृपया सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। तो ये है A7 प्राइम मोबाइल मेरे पास यहाँ, तो इसका आज हम कैमरा सेटिंग्स डिटेल में देखेंगे। बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आते हैं इस मोबाइल में, मैंने टेस्ट किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कैमरा जाने के लिए आपको क्विक शॉर्टकट है, जो कि होम स्क्रीन बटन, यहाँ पर जहाँ पर भी स्क्रीन पर हो आप जस्ट डबल टैप, ऐसे डबल टैप करेंगे आप तो इंस्टेंटली आप कैमरा को ऑन कर सकते हैं। कैमरा यूज़र इंटरफेस यहाँ पर है सैमसंग गैलेक्सी A7 प्राइम का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में अभी है, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो है, यानी कि बहुत सारे पुराने ज़माने में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो का टीवी हो आपका या फिर कुछ भी हो डिवाइसेस, तो 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में डिस्प्ले करता था, लेकिन आजकल सब 16:9, अभी तो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में हो रहा है। तो नॉर्मल ये है कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आना चाहिए पिक्चर, तब आपको क्या होगा कि फुल स्क्रीन, फुल मॉनिटर, फुल टीवी पर हो या फिर मॉनिटर पर हो, फुल स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में फोटोज़ निकालेंगे तो यहाँ पर दो साइड आपको ब्लैक बार्स मिलेगा, बस उतना डिफरेंस है दोनों में। तो अभी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला है 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में 13 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट एंड रेयर दोनों साइड 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर अगर सेटिंग्स पर हम जाएंगे, यहाँ पर एक बार टैप करेंगे तो सेटिंग्स पर जाएंगे, तो सेटिंग्स में आप बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं आप चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है पिक्चर साइज़, तो बैक साइड रेयर कैमरा जो कि बैक साइड का होता है उसका पिक्चर साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया है सैमसंग ने, ढेर सारे ऑप्शंस है। तो 1x1 चलिए देखते हैं क्या करता है ये। 4:3 एस्पेक्ट रेशियो 13 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 16:9 एस्पेक्ट रेशियो से भी आप फोटोज़ निकाल सकते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि 9.6 मेगापिक्सल का कैमरा आपको रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 9.6 मेगापिक्सल में आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में पिक्चर्स को ले सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट स्टोरीज के लिए बहुत सारा पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक कर सकते हैं इंस्टेंटली, तो आपको बाद में क्रॉप करके ऐसे सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी 9.5 मेगापिक्सल में कैप्चर होगा पिक्चर। देखिए अभी 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में अभी मैं अगर सेटिंग्स को रखा हूँ तो फुल स्क्रीन मोड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो शॉर्टकट बटन भी है, एक बार आप टैप करेंगे तो 13 मेगापिक्सल का 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में है, एक बार अगर टैप करता हूँ तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो जो कि 9.6 मेगापिक्सल में कैप्चर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर सेटिंग्स में आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम के लिए लेना चाहते हैं तो 1:1 रखिए, देखिए डायरेक्टली हम स्क्वायर इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं और इंस्टेंटली आप जहाँ पर चाहे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं। तो ये वाला शॉर्टकट सेटिंग है यहाँ पर, तो यहाँ से आप पिक्चर साइज़ को चेंज करके यूज़ कीजिए। ये है 4:3 13 मेगापिक्सल, तो फिलहाल हम वहीं पर रहेंगे 13 मेगापिक्सल कैमरा। नेक्स्ट है वीडियो साइज़, वीडियो साइज़ फुल HD में कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि आप 1:1 यानी इंस्टाग्राम हो या फिर स्नैपचैट स्टोरी शेयर करने के लिए आपको 1:1 में एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करना पड़ता है। तो ये वाला एडवांटेज है यहाँ पर सैमसंग में, तो 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में आप वीडियो भी निकाल सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको स्टोरीज शेयर करने में बहुत ही ईजी और कंपोजिशन अच्छा भी मिलेगा। तो यहाँ पर फुल HD है, 1280x720 पे भी आप ले सकते हैं, स्लो मोशन का वीडियो सेटिंग इसमें नहीं है। नेक्स्ट है टाइमर, सो 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स टाइमर रख के आप पिक्चर्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया है कि टेक 3 शॉट्स, यानी समझ लीजिए अभी मैं टाइमर 5 सेकेंड्स रखा हूँ तो 5 सेकेंड्स के बाद इंस्टेंटली वो 3 शॉट्स लेगा, तो वहाँ पर ब्लर इमेजेस आने की चांसेस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 शॉट्स लिया होगा, तो जो भी फ्रेम में है वो इन फोकस लेके आपको अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे। वो एक यहाँ से आप ऑन करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। फिलहाल हम ऑफ करेंगे टाइमर को। नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का है, तो वहीं सेम सेटिंग्स दिया है, लेकिन यहाँ पर सेव पिक्चर्स एज प्रीव्यूड करके अगर वो टैप करके ऑन करेंगे आप, तो मान लीजिए सेल्फी लेते वक्त कई बार क्या होता है कि ऐसे फेसेस हो या फिर कुछ नाम हो उल्टा आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको अगर आप चेंज करना है तो फ्लिप्ड इमेजेस करके है, इस पर एक बार सेटिंग को ऑन करके आप सेल्फीज को निकालिए तो बहुत अच्छा पिक्चर जैसे दिखाई दे रहा है वैसा मिलेगा, फ्लिप्ड होके नहीं।
नेक्स्ट है शूटिंग मेथड। शूटिंग मेथड यानी आप पाम को यूज़ करके सेल्फी ले सकते हैं या फिर स्क्रीन पर एक बार टैप करेंगे तो पिक्चर्स कैप्चर होगा, वो दोनों शूटिंग मोड्स में दिया है। नेक्स्ट है टाइमर। फ्रंट कैमरा के लिए भी टाइमर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड सेम सेटिंग जैसे कि रेयर कैमरा का है वही है। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस यहाँ पर 3:3, 3x3 और स्क्वायर मोड्स दो है। आप 3x3 अगर कंपोजिशन अच्छा लेना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस रख के आप हमेशा आप फोटोज़ को लें, यहाँ पर जैसे कि ग्रिड लाइंस देख सकते हैं, तो तब हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेट लेवल में है या नहीं कंपोजिशन। शाओमी में दूसरे मोबाइल सेटिंग्स में बहुत अच्छे कंपास का या फिर इलेक्ट्रो लेवल मीटर दिया है, उससे आपको पता चलेगा कि पिक्चर्स स्ट्रेट आने वाले हैं या फिर ऐसे टिल्टेड क्रॉस में आने वाला है, लेकिन सैमसंग में ऐसा नहीं, आपको ग्रिड लाइन से चलाना पड़ता है। तो ग्रिड लाइन्स ऑन करके पिक्चर्स को लीजिए। नेक्स्ट है लोकेशन टैग। मान लीजिए अगर आपको लोकेशन टैग करना है पिक्चर्स लेने के बाद, लोकेशन का भी सेव करना है, तो यहाँ से आप ऑन करना है इसको और लोकेशन को टर्न ऑन करना है। तब क्या होगा, जो भी पिक्चर्स आप कैप्चर करेंगे आपको पता चलेगा हाँ मैंने ये पिक्चर यहाँ पर लिया था, तो लोकेशन ऐसे टैग करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू पिक्चर्स। रिव्यू पिक्चर्स यानी अगर मान लीजिए मैं ऐसे फोटो को अभी क्लिक करता हूँ तो आपको गैलरी में जाके देखना पड़ता है, तो उसके अलावा यहाँ पर रिव्यू पिक्चर्स को आप ऑन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको गैलरी ओपन करके वो दिखा देगा कि पिक्चर्स कैसे आए हैं, तो आप देख के डिसाइड करके फिर से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो उसको ऑन करने के लिए यहाँ पर रिव्यू पिक्चर्स को ऑन करना है आपको। नेक्स्ट है क्विक लॉन्च। जैसे कि मैंने डबल प्रेस करके होम बटन को कैमरा का शॉर्टकट ऑन किया, तो वो आप यहाँ से क्विक लॉन्च से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग कैमरा बटन। फ्लोटिंग कैमरा बटन एक इंटरेस्टिंग फीचर सैमसंग में मिलता है आपको। ये फ्लोटिंग कैमरा बटन ये है कि यहाँ पर देखिए अभी एक और एक शटर बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो फ्लोटिंग यानी आप जहाँ चाहे वहाँ स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहीं से कैप्चर नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ टैप करने से भी होना है मुझे, तो आप ये शटर बटन यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो इंस्टेंटली आप ऐसे कैप्चर यहाँ से भी कर सकते हैं फोटोज़ को, तो एक डबल शटर बटन हम कह सकते हैं। तो इंस्टेंटली आपको कैप्चर करने के लिए जहाँ कहीं चाहिए वहाँ आप ऐसे रख के आप पिक्चर्स को ले सकते हैं। तो यह है एक्स्ट्रा शटर बटन, तो उसको उन्होंने ऐसे नाम दिया है फ्लोटिंग कैमरा बटन। नेक्स्ट है वॉल्यूम की फंक्शन। तो यहाँ पर दो वॉल्यूम कीज है, वॉल्यूम बटन्स, तो आप इसको यूटिलाइज करके दूसरे फंक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टेंटली रिकॉर्ड करना है वीडियो, तो वॉल्यूम की का प्रेस कर दीजिए तो वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जूम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस जूम माइनस जूम, तो जूम इन जूम आउट करने के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम वॉल्यूम। सिस्टम वॉल्यूम चेंज करने के लिए वॉल्यूम का बटन यूज़ कर सकते हैं कैमरा इंटरफेस में, तो ये वाला सेटिंग यहाँ पर है। उसके बाद रीसेट सेटिंग। रीसेट यानी जो कि सैमसंग का डिफ़ॉल्ट होता है उसको रीसेट करने के लिए आपको टैप करना पड़ता है। बस इतने सारे सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर टैप करेंगे तो कैमरा सेटिंग्स में ये सब सेटिंग्स है। आप इसको ज़रूर चेंज करके 13 मेगापिक्सल पर रखें और यहाँ पर क्विक लॉन्च को ऑन कीजिए, और फ्लोटिंग कैमरा बटन आपको अच्छा लगा तो वो वाला ऑन कीजिए। उसके साथ लोकेशन का अगर टैग करना चाहते हैं वो वाला भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर वाटर मार्क का सेटिंग्स बिल्कुल नहीं दिया है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में, तो वो एक डिसएडवांटेज या फिर कॉन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो फ्लैश। फोर्सेबली आपको अगर फ्लैश ऑन करना है तो यहाँ से टैप कीजिए, टर्न फ्लैश टर्न ऑन करके बोलेगा वो, मतलब परमानेंटली ऑन रहेगा। अगर ऑफ करना चाहते हैं परमानेंटली तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, फिर एक बार टैप करेंगे तो ऑटो फ्लैश टर्न ऑन हो जाएगा। ये वाला शॉर्टकट मैंने जैसे कि पहले ही बताया है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो जाने के लिए और 4:3 एस्पेक्ट रेशियो लाने के लिए। नेक्स्ट है ये कैमरा स्वैप बटन। फ्रंट कैमरा को अगर जल्दी से स्वैप करना है आपको तो ये बटन से कर सकते हैं। स्वाइप अप एंड डाउन करेंगे तो भी आपको कैमरा या फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टिकर्स। तो सैमसंग ने कुछ यूनिक स्टिकर्स दिए हैं यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट, जो कि अच्छा है क्योंकि शाओमी में या फिर दूसरे ब्रांड्स में अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टिकर्स मिल रहे हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए सैमसंग ने भी यहाँ पर ढेर सारे स्टिकर्स दिए हैं जो कि अच्छे हैं, कि ऐसे टैप करके उसको आप मूव भी कर सकते हैं जहाँ चाहिए वहाँ स्क्रीन पर, और एनलार्ज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पर माइनस है, उस पर एक बार टैप कर दीजिए तो वो चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला स्टिकर्स आप प्रायोरिटाइज करके भी रख सकते हैं। सनग्लासेस है, ढेर सारे ऐसे एनिमल्स का है, बहुत सारे ऐसे स्टिकर्स है इस सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में, तो यहाँ से आपको फीचर वो मिलेगा सेपरेट सेटिंग। नेक्स्ट है सैमसंग मॉल। ये सैमसंग मॉल एक बहुत ही अच्छा फीचर है सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में। ये क्या करता है, बेसिकली जहाँ पर भी आप कैमरा को पॉइंट आउट करके ऐसे रखेंगे तो और वो सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके आपको बताएगा कि ऑनलाइन में प्राइसेस कितना है अभी। आप इंस्टेंटली उसको शॉपिंग भी कर सकते हैं अमेज़न के द्वारा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कैमरा है निकॉन का, तो इस पर वो रिकॉग्नाइज करके स्क्वायर करके बता रहा है, तो एक बार ऐसे टैप करता हूँ इसके ऊपर बटन पर तो
तो वो स्टार्ट कर देगा सर्चिंग फॉर बेस्ट मैच। तो सर्चिंग करते हुए वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा वर्क होता है सैमसंग का, सैमसंग मॉल। मैंने बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब सब्जेक्ट्स पर टेस्ट किया हूँ, तो ठीक से वर्क करके आपको पता है कि ऑनलाइन कि कितने में अवेलेबल है वो अजीबोगरीब सब्जेक्ट्स। तो अभी देखिए निकॉन का वहाँ D3200 है, अभी यहाँ पर D3200 का प्राइस बता रहा है लास्ट अपडेटेड प्राइस। तो आप इस पर एक बार टैप करके इंस्टेंटली आप कार्ट में डाल के शॉपिंग भी कर सकते हैं ऐसा। तो बहुत ही अच्छा फीचर हम समझ सकते हैं इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर आप बहुत ट्रैवल करते हो, अगर आपको जानना है कि कुछ सब्जेक्ट्स का प्राइस क्या है या फिर कहाँ मिलता है वैसा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा आपको, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है सैमसंग गैलेक्सी का सैमसंग मॉल। तो वो है सैमसंग मॉल। नेक्स्ट फीचर हम जाएंगे प्रोफेशनल मोड पर, ऐसे लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो आपको प्रो मोड मिल रहा है। प्रो मोड में कुछ खास इतना भी नहीं, सिर्फ वाइट बैलेंस, ISO और एक्सपोजर कॉम्पनसेशन है। वाइट बैलेंस ये क्या काम करता है कि अगर मान लीजिए आप इंडोर सिचुएशन में पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, ठीक से कलर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वाइट बैलेंस को चेंज करके ठीक से कलर बना के आप पिक्चर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है ISO। ISO को ऑटो ही रख दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नॉइसी इमेजेस आने लगते हैं, ज़्यादा नंबर होगा तो ज़्यादा नॉइस आएगा, तो ऑटो ही बेहतर कैप्चर करेगा ON7 प्राइम में। नेक्स्ट है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, ये वाला अच्छा फीचर है, अगर आपको पता नहीं तो मैं दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर एक्सपोजर कॉम्पनसेशन इसलिए यूज़ होता है, यहाँ पर बहुत सारा ब्राइट लिट इमेज है यहाँ पर ऊपर और नीचे डार्क है, तो अगर डार्क का बिल्कुल ठीक से एक्सपोज नहीं हुआ है तो आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन से ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको, इमेज को ज़्यादा हाइलाइट्स को ब्लॉक किए बिना। तो आप देखिए अभी एक बार टैप करता हूँ, पिक्चर लेता हूँ, तो कितना अच्छा और कितना हाई क्वालिटी का इमेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अभी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को यूज़ किए, अगर मैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को ज़ीरो रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या था वहीं रखता हूँ, तो देखिए कितना डार्क है नीचे, यहाँ पर एक्सपोजर ठीक से नहीं लिया है। तो इसको चेंज करने के लिए आप ऐसे स्वाइप अप और डाउन करके आप जैसे चाहिए आपको एक्सपोजर को कॉम्पनसेट करके पिक्चर्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मीटरिंग, सेंटर वेट, स्पॉट एंड मैट्रिक्स मीटरिंग है, जो कि क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग है, फ्रेमिंग ज़्यादा करना पड़ता है, तो मैट्रिक्स मीटरिंग में लेंगे तो शार्पर इमेजेस आएगा ओवरऑल फ्रेम में। अगर आप फ्लावर्स खींच रहे हैं या फिर क्लोजअप सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं, तो स्पॉट मीटरिंग रख के आप लीजिए, बहुत अच्छा पिक्चर्स मिलेगा। देखिए अभी स्पॉट मीटरिंग को ऑन किया हूँ, तो अभी सिर्फ इसी सब्जेक्ट का हम लेंगे, तो ये बिल्कुल ये वाला सब्जेक्ट शार्प रहेगा और बाकी का बैकग्राउंड सब ब्लर हो जाएगा। तो इसको यूज़ करते हैं स्पॉट मीटरिंग, तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं स्पॉट, मैट्रिक्स या फिर सेंटर वेट। बस इतने सारे प्रोफेशनल मोड में फीचर्स मिल रहा है आपको। फिर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर पनोरामा मोड है, आपको पता ही होगा कि क्या करता है पनोरामा मोड, तो ऐसे पनोरामा मोड कैप्चर कर सकते हैं आप। फिर से स्वाइप करेंगे तो कंटिन्यू शॉट, यह है बर्स्ट शॉट मोड हम कहते हैं, तो अगर एक बार आप टैप करके होल्ड करेंगे तो बहुत सारे इमेजेस फ्यू सेकेंड्स में ले लेगा, तो आपको कोई भी फ्रेम्स मिस नहीं होगा वहाँ पर कंटिन्यू शॉट में। नेक्स्ट है HDR, तो हाई डायनामिक रेंज। मान लीजिए अगर ब्लू स्काई और वाइट क्लाउड्स है और नीचे जो भी लैंडस्केप का सीनरी हो वो ठीक से एक्सपोज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको क्लाउड्स ठीक से दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी सीन में है वो ठीक से एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो आप हाई डायनामिक रेंज सेटिंग रख के आप ले सकते हैं। तो HDR का मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप देख, उसमें मैं डिटेल में बताया हूँ कि कैसे आप ठीक से HDR पिक्चर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट मोड। नाइट मोड जैसे कि नाम है, आप नाइट में इमेजेस निकालने के लिए डार्क कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यह है कि आपको शेक नहीं करना है कैमरा को या फिर ब्लर पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो नाइट मोड यहाँ पर है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम है फास्ट एक्शन का सब्जेक्ट्स अगर कैप्चर करना चाहते हैं फास्ट शटर स्पीड में, तो स्पोर्ट्स मोड रख के आप कैप्चर कीजिए पिक्चर्स को। नेक्स्ट है साउंड एंड शॉट, अगर एक बार टैप करके आप पिक्चर को लेंगे तो 9 सेकेंड्स का ऑडियो रिकॉर्ड होगा उसके साथ, तो मेमोरीज बनाने के लिए अच्छा है ये। मान लीजिए अगर आपको बताना था कि ये वाला पिक्चर ऐसे लिया था, कुछ हो रहा था, तो आप पिक्चर को लेके ऑडियो को 9 सेकेंड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो है साउंड एंड शॉट मोड में। तो इतने सारे ढेर सारे सेटिंग्स है सैमसंग गैलेक्सी ON7 प्राइम में, आशा करता हूँ ये आपको यूज़फुल हुआ होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स लेके टेस्ट किया है, इसका मेन एडवांटेज यह है कि पिक्चर्स शार्प आते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है, बस उतना ही है, और सैमसंग मॉल दिया है। तो सैमसंग गैलेक्सी ON7 प्राइम कैमरा का मेन डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारा हंट करता है फोकस करते वक्त। मान लीजिए आउटडोर सिचुएशन में आप पिक्चर को यहाँ पर टैप करके टैप टू फोकस ले रहे हैं,
पिक्चर को क्या होता है, अगर फोकस में दिखाता है लेकिन आप जब भी ऐसे कैमरा शटर बटन को प्रेस करेंगे तो फिर से वो हंट करना स्टार्ट हो जाएगा और खुद डिसाइड करेगा कि कहाँ पर फोकस होना है। तो जहाँ पर आप टैप किए थे वहाँ बिल्कुल फोकस ही नहीं होगा, तो इसका यूज़ क्या हुआ टैप टू फोकस का, तो वो वाला एक डिसएडवांटेज है कैमरा में। तो उसके अलावा बहुत अच्छे पिक्चर्स मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा, अगर है तो लाइक दबाना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर अपना, बाय बाय।